तीन तलाक कानून बनने के बावजूद भी तलाक के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला बरेली का है, जहां पर पत्नी के नौकरी करने से नाराज शराबी पति ने उसे तीन तलाक दे दिया और अब उस पर हलाला का दबाव बनाया जा रहा है। तीन तलाक का जहर शराबी पति का कहर, कानून के बाद नहीं रुका तीन तलाक, पीड़िता पर बनाया हलाला का दबाव। मेरे को तीन तलाक दी गई है एक सांस में और कहा गया है तुम घर से निकल जाओ। उसके बाद मेरे पर दबाव डाला जा रहा है कि हलाला के लिए, और मुझे फतवा भी लाके इन्हीं लोगों ने दिया, ससुराल वालों ने। अब तुम इनके लिए हराम हो, अय्यूब के लिए। उसके बाद ये कहा गया है कि तुम हलाला करोगी तो अय्यूब को पास जाओगी। 2.5 साल पहले जब तीन तलाक के खिलाफ कानून बना था तो सदियों से तीन तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को एक नई आजादी मिली थी, लेकिन कानून बनने के बाद भी तीन तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन के साथ बैठी इस महिला का नाम शबाना है, जिसे इसके पति ने तीन तलाक देकर दर दर के लिए भटकने को मजबूर कर दिया। और ये मुझे जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं इतने सालों से इस आदमी के साथ रह भी रही थी और चुपचाप थी, फिर उसके बाद मुझे 25 साल के बाद इन्हें ये तलाक का मेरे को थप्पड़ मारा है कि अब तुझे ये मिलेगा 25 साल का सिला। शबाना का आरोप है कि उसका पति शराबी है और उसके साथ आए दिन मारपीट करता है, घर के खर्च के लिए भी कोई पैसा नहीं देता। 4 बच्चों का पेट पालने के लिए शबाना हॉस्पिटल में नौकरी करती है, लेकिन पति अय्यूब को शबाना का नौकरी करना गवारा नहीं हुआ तो तीन तलाक देकर 4 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा हक मिले जो है, और मैं हलाला के लिए राजी नहीं हूँ, और ये जो तलाक का है मुद्दा ये उठाया भी जाए। अब पीड़िता अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है, क्योंकि तीन तलाक के बाद उसके ससुराल वाले हलाला का दबाव बना रहे। ये एक महिला है शबाना, जो कि अपने बच्चों को पालने के लिए जॉब करती है, एक मेडिसिटी हॉस्पिटल में सुपरवाइज़र की जॉब करती है, और इसका पति बेइंतहा शराब पीता है, कुछ काम धाम नहीं करता है, बच्चे जवान हैं तो बच्चों की परवरिश के लिए भाई एक महिला जॉब कर रही है, अपने पैरों पे स्टैंड है। तो इसमें इसके पति ने ये कहा कि तुम जॉब मत करो, जब इसने मना किया, इस चीज़ का विरोध किया, तो इसको पति ने एक साथ तीन तलाक बोल के और इसको घर से बाहर निकाल दिया। शबाना ने मामले की शिकायत केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन से की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री की बहन ने मामले की लिखित शिकायत बारादरी थाने में की है, जिस पर एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। संबंध में थाना बारादरी पर 498-323 506 और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 4 लोग नामजद हैं, जिसमें इनके पति, जेठ, ननद और ननदोई है। इस संबंध में जो है आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है, जो साक्ष्य जो है इकट्ठा किए जा रहे हैं कि क्या मैटर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कानून बनने के बाद भी आखिर तीन तलाक क्यों नहीं रुक रहा, और सवाल उस फतवे का जो आला हजरत दरगाह ने तीन तलाक के पक्ष में जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।